हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। एक खबर है, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट दोस्तों ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। ओके दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया है, कई दफ़े बताया है कि भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के अंदर दो सरकारी बैंक्स को फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, जो कि चल रहा है, के अंदर ये उसको बेच दें, यानी उसको प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि कुछ लॉज के अंदर चेंजेस करने हैं और ये चेंजेस होने में लग रहा है टाइम, क्योंकि पार्लियामेंट से अभी सरकार को अप्रूवल चाहिए, यानी पार्लियामेंट की हाँ चाहिए, और उसके अलावा भी बहुत सारे रेगुलेटरी काम है, रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं जिनको अभी यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखें आप, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ने यहाँ पे ऐसा सोर्सेज के अकॉर्डिंग पता चला है दोस्तों कि सरकार हो सकता है पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन वाले पार्ट को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 जो स्टार्ट होगा उसमें हो सकता है ये काम करें। यानी नेक्स्ट ईयर कैलेंडर ईयर 2022 में अगर हम देख पाएंगे कि भारत सरकार इन दो बैंक्स को प्राइवेटाइज कर सकती है, क्योंकि यहाँ लिखा है साफ साफ कि मार्च 2022 तक भारत सरकार बायर्स को ढूंढना चाहती है। देखिए, आंख बंद करके भारत सरकार नहीं बेचना चाहेगी, क्योंकि अगर ऐसे बेचेगी तो भारत सरकार को वैल्यू नहीं मिलेगी जो चाहिए। तो अगर अच्छी वैल्यू चाहिए तो आप अपने बैंक्स को अच्छा करो उतने टाइम में, फिर आपको कोई बढ़िया मतलब हाईएस्ट बिड आप तभी ले पाओगे जब आपके बैंक में क्वालिटी होगी उस लायक। तो सरकार को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और वो इनको झटपट तो मिलने वाला नहीं। तो इसके अलावा आपको बताया ही मैंने कि रेगुलेटरी कुछ अप्रूवल्स चाहिए जैसे पार्लियामेंट से, और कुछ लॉज के अंदर चेंजेस करने हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी ये बात जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है, फिर भी बातें लीक हो जाती हैं, तो ऐसा ही हुआ है जिसके ज़रिए ये पता चल पाया है कि भारत सरकार हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन दो बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात करें। 1.75 लाख करोड़ के टैक्स 1.75 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट ये अपने कंपनीज को बेच करके या उनको प्राइवेटाइज करके रेज करना चाहती थी सरकार अपने टैक्स रिवेन्यू के अंदर जो फॉल हुआ है उसको मेकअप करने के लिए, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का IPO आ सकता है इसी साल के एंड होते होते। सरकार ने ये चीज़ बजट पेश करते समय भी बताया था, राइट। इवन एक इंश्योरेंस कंपनी को भी ये प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे खबर नहीं है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो IPO होगा इसका, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ये बहुत बड़ा IPO होगा देश का दोस्तों, बहुत बड़ा IPO होगा। इसके ज़रिए जो है सरकार अपनी हिस्सेदारी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी और मेजॉरिटी में इसके अंदर होल्डिंग सरकार की ही रहने वाली है, ऐसा सरकार ने प्रॉमिस किया हुआ है बजट 2020 फिस्कल ईयर 2022 के बजट को पेश करते समय, राइट। तो दोस्तों, ये थी पीएसयू बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक बड़ी खबर, सरकार का एक बड़ा फैसला। हालांकि ये बातें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, सरकार ऐसा सोच रही है, मेरी बात समझ रहे ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है शब्दों के ऊपर, ध्यान दीजिए। ओके, तो दोस्तों पीएसयू बैंक्स को लेकर के ये छोटी सी अपडेट थी। आपको पता होगा कि दो बैंक्स को ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड किया जा चुका है,
सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों बैंक्स को पीसीए के फ्रेमवर्क से भी बाहर कर लिया गया था इसी पर्पस को अंजाम देने के लिए। लेट्स सी दोस्तों कि आगे क्या होता है, जो कुछ होगा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। सरकार का जो कुछ फैसला आता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के जरिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनक्रेज कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।